बाबा मुरली में एक पॉइंट बोलता है, याद रखना, दुनिया में सब मुर्दे कब्र दाखिल है। होता है जब कोई शरीर में आत्मा निकल जाती है शरीर से, वो चेहरा कैसे हो जाता है, सिकुड़ जाता है ना। तो हम जिंदा होने के बाद भी ऐसे सिकुड़ के रहे, भगवान मिलने के बाद भी बिल्कुल नहीं। इतना पाउडर लगा घर पहुंचते ही पूछना चाहिए, बच्चे पूछना चाहिए, भाई पूछना चाहिए, पति पत्नी बहन सब पूछना चाहिए, आज कौन सी पाउडर लगा के आया ना, तैयार हो। सिर्फ इतना ही करना है और रोज सुबह उठ के एक बार एक्सरसाइज कर लो। तो ये हमारे संकल्प की जो ऊर्जा, एक नशा होना चाहिए कि बाबा मेरे साथ है। बोलो और एक बार, बाबा मेरे साथ है। क्योंकि बाबा इतने सालों से सुन रहे हैं, भले आप हो सकता है एक महीना दो महीना छह महीना, लेकिन ज्ञान तो 80 साल से 82 साल से 83 साल से चल रहा है। जो 83 साल पहले बाबा ने मुरली चलाई उसकी रिफाइंड स्टेज आपको मिल रहा है। ऐसे नहीं कि आप उस समय से सुन रहे हो, आज वो सुन रहे हो ना, इतने सालों से आप सुन ही रहे हो, रिफाइंड चीज आ गया आपके पास। मुस्कुरा के बोलना, एक एक माता को देख रहे हो। हाँ बोलो बोलो, सिर्फ बोलोगे एक्शन नहीं कर लोगे। मेरे साथ, वाह वाह कितना अच्छा है। ये आप क्या कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, एक्शन को क्रिएट कर रहे हो। तो फरिश्ता बनने के लिए, देवता बनने के लिए सबसे पहले एक चीज को ध्यान रखना है कि अंतर मन में, उसके बारे में जानना जरूरी है। तैयार हो, चलिए अभी 5 मिनट हम योग की कमेंट्री करेंगे और उसका अभ्यास करेंगे कि बाबा मेरे साथ है, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सीरियस हो गए, अभी योग लगा रहे ना, बाबा कहते बड़े प्यार से मुझे याद करना, कोई तकलीफ से नहीं, सब तकलीफ से याद करने लगते हैं। अभी हम योग करेंगे, उसके बाद अंतर मन की ओर जाएंगे, तभी हमारे अंतर मन काम करेगा। ठीक है, चलिए रेडी, रेडी सभी मुस्कुराते हुए मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु ही संकल्पों से सारी शक्तियों की किरणों को समेट रही हूं।
मेरे शरीर रूपी वस्त्र मुझे आत्मा से संपूर्ण अलग है। सारी शक्तियां समेट कर मैं आत्मा महसूस कर रही हूं। सत्य प्रकाश चमकता हुआ हीरा अपने आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा अपने ही दिव्य श्रेष्ठ संकल्प से उस लाल सुनहरे मूल वतन मीठे घर परम धाम से शिवा को आह्वान कर रही हूं। सर्वशक्तिमान बाबा परम धाम से उतर कर नीचे और नीचे तारों की दुनिया सूर्य चांद और नीचे इस विश्व गोला के अंदर इस तपोवन में इस हॉल के अंदर मेरे मस्तक के ऊपर छत्र छाया बनकर बाबा 24 घंटे के लिए स्थित हो गए हैं। रिमझिम रिमझिम किरणें सुख शांति आनंद पवित्रता की मुझ आत्मा पर पड़ रही है। सुंदर सुखदायी स्थिति है। झरझर झरनों की तरह असीम शक्तियों की ऊर्जा मुझ आत्मा में समाती जा रही है और वही किरणें मुझ आत्मा से निकलकर पूरे शरीर में चारों ओर फैलती जा रही है और मेरी खुली आंखों से बाबा के सर्व शक्तियों की किरणें मेरी आंखों से मैं जहां भी देखूं जिसको भी देखूं किरणें निकल रही है। शुक्रिया बाबा, आपने मुझे अपना बनाकर शक्तिशाली ऊर्जा से संपन्न बनाया। मैं कहीं भी रहूं आप हमेशा मेरे छत्र छाया बनकर 24 घंटे
जो श्रीमत देखे उसी अनुसार मैं अपने पुरुषार्थ को करके आपको प्रत्यक्ष करने के लिए निमित्त बनूंगी। मेरे बाबा
भी नहीं।